प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में इमारत के मलबे में 4 लोगों के फंसे होने की खबर है। यह हादसा नागपाड़े के शुक्ला जी स्ट्रीट स्थित इमारत का शौचालय वाला हिस्सा दोपहर लगभग 1 बजे गिर गया। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची, एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर पहुंची है। बचाव कार्य जारी है। बहरहाल यह हर बार देखा जाता है। इसके पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सोमवार शाम 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें 200 लोग फंस गए थे। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हो गए थे, कुछ लोगों की जानें भी चली गई हैं। लेकिन आज जो नागपाड़ा में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है और उसके बाद सरकार पर, प्रशासन पर, सीसी वाला बिल्डर पर सवाल उठने लगा है। यहाँ तक बिल्डिंग के सभी टेनेंट जो उस इमारत में रह रहे हैं, वो लोग गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड से शिकायत की, अपनी समस्याएं बताई। मंत्री जितेंद्र आवाड ने क्या भरोसा दिया है, इस पूरी खबर में आप सुनिए किस तरह से लोग शिकायत कर रहे हैं। NOC मिल गई, IOD मिल गई, बिल्डिंग डिलिपेटेड दिखा के कोर्ट से डायरेक्शन लिया, भाई बिल्डिंग कलेप्स हो सकती है, हमें NOC दी जाए। NOC भी दे दी माडा ने, IOD के प्रोसेस में गया, आज तक इनने IOD नहीं ली। हमने बार बार इसको लेटर लिखा, भाई इसको रिपेयर करा दे, बिल्डिंग डिलिपेटेड है, तूने खुद बोला है, कोर्ट में बोला है कलेप्स हो सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। हमने माडा में एक NOC ये भी लिखा, इसकी NOC कैंसिल करो, बिल्डिंग को रिपेयर करो, आज तक माडा ने कुछ नहीं किया। फिर उसके अगेंस्ट में माडा को पार्टी बना के इन्हें कोर्ट में गया, वहाँ से स्टे ले लिया। अब जो भी बोलता है, बोले कोर्ट में है, मैटर है, सब जुडाइज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सब यही है कि अभी जो हुआ वो रिपेयर, जल्द से जल्द रिपेयर हुए और सबसे पहले प्रॉपिंग करके सपोर्ट किया कि हम लोग अंदर जा सके। सर, हमने 6 साल हो गया NOC देखे और कंसर्न देखे, ठीक है, हमारा फुल कोऑपरेशन था उनके साथ, हमने कभी भी कोई भी बात पे अटके नहीं है, ना उनको अटकने दिया, क्योंकि हम लोग 8-10 जन मिलके 110 को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको हमने हर तरीके का सपोर्ट किया, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया, एक लेवल पे लेके आए। मगर अब आके फाइनली बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बना सकते, तो मगर हम उनको नहीं बना सकते तो हम डेंजर में क्यों रहे। तो हमने उनसे ये भी कहा कि एटलीस्ट हमारी बिल्डिंग रिपेयर करवा दो आप। बहुत दफ़ा उनको लेटर भेजा, हाउसिंग मिनिस्टर में लेटर भेजा, माहड़ा में लेटर भेजा, हर जगह लेटर भेज दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमको। और अब ये हालत हो गई कि एक बिल्डिंग का पोर्शन गिर गया, पता नहीं कुछ गया है कि नहीं गया है, किसको पता नहीं है। वो दीवार ओपन हो चुकी थी दोनों साइड की, साफ दिख रहा था कि कभी भी कोलैप्स हो सकती है। उनको कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद हथौड़ा मारना चाहिए था कि ऐसे ही हथौड़ा मार दिया उन्होंने बिल्डिंग पे आके। बहुत साल से उसके पीछे लगे थे, हमने एक कानून लाया है जिसके तहत 3 साल अगर बिल्डर कुछ करता नहीं तो इम्हाड़ा टेक ओवर कर लेगी। अब ये भी हमको देखना पड़ेगा कि महाड़ा को अधिकार मिलता है क्या, ये कानून पीछे से लागू करने का अगर हो गया तो मुझे लगता है ये पहला प्रोजेक्ट रहेगा। मेरी इच्छा है कि महाड़ा इसको टेक ओवर कर ले और महाड़ा पहला पायलट प्रोजेक्ट यहाँ बना दे और फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। तो सिरसी वाला जिसने जो उसको NOC देने के बावजूद उसने डिले क्यों किया, वही है, तो वो उसकी जांच की जाएगी और कहीं रहमदिली बरसी नहीं जाएगी। जो भी है सख्त रुख अपनाया जाएगा। मैं थाना से आधे घंटे में यहाँ पहुँच गया, मेरी जितनी जिम्मेदारी है यकीन रखो कि हम उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अक्सर हर साल हर बार देखा जाता है कि कोई हादसा होने के बाद स्थानीय प्रशासन या सरकार के नुमाइंदे का यही बयान होता है कि सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिनों तक वो हादसा सुर्खियों में रहता है और फिर धीरे धीरे लोग उस हादसे को भूल जाते हैं, भुला देते हैं। लेकिन वे लोग जो लोग इस हादसे के शिकार होते हैं, उनकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, वे बेघर हो जाते हैं या फिर अपनों को खोने का गम सालों साल उन्हें दर्द देता रहता है कि आखिर इस तरह के हादसों का इंतजार प्रशासन क्यों नहीं, जब इमारत बनती है तब उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है ताकि ऐसे हादसे ही ना हो। लेकिन हमेशा से यही सुना जाता रहा है कि स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर बिल्डर राजनेताओं के संरक्षण में निष्कृष्ट दर्जे का निर्माण कार्य या अवैध निर्माण करते आ रहे हैं। अब यहाँ
सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर सामने आता है कि क्या अब भी सरकार या प्रशासन ऐसे हादसों से सबक लेगा या इसी तरह और कोई हादसों का इंतजार करेगा फिर अपनी भूमिका निभाएगी। क्या अभी भी सरकार या प्रशासन ऐसे हादसों से सबक लेगा या इसी तरह और कोई हादसों का इंतजार करेगा या फिर अपनी भूमिका निभाएगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स और प्रहार टाइम्स को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।